Audio Jungle. नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम एक्सरसाइज 3A, ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3A क्लास 7th मैथ्स, ठीक है, एक्सरसाइज 3A। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3A का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर विथ द करेक्ट सिंबल, होल्ड, ठीक है, होल्ड विद द करेक्ट सिंबल। अब इसमें स्टूडेंट ये है ग्रेटर देन का साइन और ये है स्मॉलर देन। अब इसमें स्टूडेंट्स दो नंबर दिए हैं, ठीक है, एक है 78.23 और दूसरा है 69.85, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, पहले दो डिजिट आप देखिए ऑब्जर्व करिए, ये नंबर अगर बड़े हैं, होल नंबर वाला पार्ट 78 है और यहाँ होल नंबर वाला पार्ट 69 है, ठीक है। तो 78 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 69, ठीक है, फिर डेसिमल पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन नंबर में अगर होल नंबर बड़ा है तो ये, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बशर्ते दोनों नंबर डिफरेंट हों। देखिए यहाँ 69 है, यहाँ 78 है, ठीक है। तो 78.23 इज़ ग्रेटर देन, तो यहाँ ग्रेटर देन इसी में आंसर हम दिए दे रहे हैं इसका। फिर है 3.406 और ये है 3.46। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, दो। तो अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट हो तो जीरो हम इसमें अपने मन से लिख देते हैं, ये जीरो अपने मन से लिख देते हैं, ठीक है, यानी ये हो गया देखिए इसको 3.406 और ये दिया था 3.46, तो अब यहाँ जीरो लिख देंगे। तो देखिए 406 हो गया, यानी 0.406 और 0.460, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तब ये दोनों नंबर सेम होंगे। तो डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे हैं उसमें जिसका नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो अब स्टूडेंट जो नंबर बड़ा होता है उसी की तरफ इस साइन का मुंह कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो 3.406 इज लेस देन 3.460, तो ये स्टूडेंट्स आपके बी का आंसर है। फिर सी में क्या है, देखिए 5.68 और 5.86। तो अब ये दोनों नंबर होल नंबर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अब डेसिमल के बाद के नंबर जिसमें बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट। तो 5.86 इज ग्रेटर देन, यानी 5.68 इज लेस देन 5.86। ये देखिए 14.05, ये 0.05, यहाँ तीन डिजिट बाद डेसिमल है, ठीक है, तो यहाँ दो डिजिट बाद है, तो यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा देंगे, देखिए 14.05 और यहाँ पे है 14.005, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक जीरो कम है तो इसलिए एक जीरो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 050, ये 005, तो 005 जो है ये ज़्यादा छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो इसलिए 14.050 इज ग्रेटर देन 14.005। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए 6 में, तो 6 क्वेश्चन में कह रहा अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। देखिए इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किन किन नंबर को, 4.6 को, ठीक है, फिर इसके बाद है 7.4, फिर इसके बाद है 4.58, फिर इसके बाद है 7.32, फिर इसके बाद है 4.06। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम छोटे से बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए सबसे पहले इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो डिजिट बाद डेसिमल है, यहाँ दो डिजिट बाद है, यहाँ दो डिजिट बाद है और इन दोनों में एक डिजिट बाद है, तो इसलिए इसके बाद हम यहाँ पे एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो पहले 4 वाले में चेक करेंगे हम, 4.60, 4.58, 4.06, तो सबसे छोटा नंबर ये है 4 वाला, ठीक है। देखिए ये 4.06, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन है, 4.06 से
तो फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है, 4.58, क्योंकि 4.60 ये है, 4.58 से बड़ा है, तो इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। अब सेवन वाले में कंपेयर करेंगे तो 7.40 और 7.32, तो ये छोटा नंबर है 7.40 से, तो 1, 2, 3, तो यहाँ ये चौथे नंबर पर आएगा और ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसी ऑर्डर में इसको हम लिख देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें, वो सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 4.06 इज लेस देन, ये साइन आता जाता है, नहीं लगाना है तो कॉमा लगा के लिख दीजिए। फिर इसके बाद आएगा 4.58, तो 4.58 इज लेस देन, ठीक है, 4.60, और 4.60 लेस देन होगा, इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर पर 7.32, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके सिक्स का ए है, इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसी तरीके से बी में है, ठीक है, इसी तरीके से बी में हम देखेंगे, तो बी में क्या है देखिए 0.55, फिर इसके बाद है 5.5, फिर इसके बाद क्या दिया है 5.05, फिर इसके बाद दिया है 0.05, यह है 0.05, फिर इसके बाद है 5.55। तो देखिए सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इसका होल नंबर जीरो है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। फिर इसके बाद जो है अब डेसिमल में ये है 0.55, तो ये सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है। अब होल नंबर वाला देखिए, इनमें होल नंबर भी इंक्लूड है इसमें 5.0, तो अब देखिए यहाँ पर दो डिजिट है, तो यहाँ पे भी एक जीरो हम बढ़ा देंगे, बाकी सब में दो डिजिट है, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। अब 5.50 और ये हो गया, तो सब फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर 5.55, 5.50, तो ये चौथे नंबर पर आएगा, ये पांचवें नंबर आएगा। बस अब जैसे हमने यहाँ पर ये पहले वाले को लिखा है, इसी क्रम में आप लिख दीजिए, पहले पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो इस तरीके से करना था। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से करना, बाकी जो सी और डी हैं, ठीक है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए क्या है कि ये नंबर हमारे दिए गए हैं 7.4, फिर 8.34, फिर है 74.4, फिर इसके बाद दिया है 7.44, फिर इसके बाद दिया है 0.74। अब स्टूडेंट्स इनको हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, यानी बड़े से छोटे में लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह रहा था, बड़े से छोटे में लिखना था, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, क्यों है, क्योंकि इसका होल नंबर सबसे बड़ा है, इसका होल नंबर सबसे बड़ा है 8.34, तो ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, नहीं सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये 74.4 दिया है स्टूडेंट्स, हमने लिखा नहीं है इसको, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 74.4, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर बड़ा आया है 74, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे। फिर इसके बाद देखिए 7, अब इसके बाद होल नंबर ये बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है, 8, क्योंकि 74 से छोटा कौन है, 8 है, तो ये सेकंड नंबर पर आएगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया, बाकी सब में दो डिजिट तक डेसिमल हैं स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा। अब 7.44, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पर आएगा, फोर नंबर पे, ठीक है, ये आ जाएगा 7.40, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये है 0.74, ये सबसे छोटा
नंबर है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है, तो बड़े से छोटे में लिखना है, इसकी पोजीशन होगी फिफ्थ पोजीशन होगी, ठीक है। तो इनको हम इसी तरीके से लिख देंगे, देखिए 0.74, अब वहां पर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें चूंकि बड़े से छोटे में लिखना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पर आएगा 74.40। अब यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर देन का, क्योंकि ये बड़ा होगा सबसे, तो 74.40 इज ग्रेटर देन 8.34 और 8.34 इज ग्रेटर देन 7.44 और 7.44 इज ग्रेटर देन 7.40 और 7.40 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0.74। क्योंकि पांच ही नंबर है स्टूडेंट, देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, तो पांचों हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी तरीके से इसका स्टूडेंट्स बी करना है, ठीक है। तो इस बी को आप कर लीजिएगा, ये ए हमने करके आपको बता दिया है, बी आप अपने आप करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्सप्रेस 50 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमें 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, 50 मिलीमीटर। तो अब 50 मिलीमीटर के जब हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल में आप देखते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब जब इसका हम उल्टा करेंगे, यानी 1 मिलीमीटर में अगर हम देखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर होंगे। तो बस 45 mm में हम 45, तो 1 mm की जगह कितना लिख सकते हैं, अब 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा 45/10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 45/10 को हम लिख सकते हैं 4.5, क्योंकि अब आप डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर भी ये डेसिमल वाला है। तो ये 4.57 आ गया इसका आंसर। अब अगर मीटर में बदल देंगे स्टूडेंट्स, मिलीमीटर को मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में जो होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इसको हम मीटर में बदल लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 1 mm इक्वल टू 1/1000 meter, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 meter होंगे। तो अब आपको 45 mm को बदलने के लिए, ठीक है, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 45/1000 इतने मीटर। अब देखिए स्टूडेंट हमने 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो डिजिट लिखा है न्यूमरेटर में, इसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो 2 डिजिट तो इसमें पहले से हैं, अब 1 डिजिट नहीं दिया, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे और फिर इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.045 meter, ये इस तरीके से बदल गया। अब अगर
एक मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हम अब एक मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं लिखेंगे, तो 1/ कितने हो जाएंगे, देखिए ये 1000 तो मीटर के लिए हो गए, अब किलोमीटर के लिए तो यहाँ पे 1000 और आ जाएगा, ठीक है, तो 1/1000 × 1000 इतने किलोमीटर होंगे इसमें, ठीक है, या यहाँ मीटर के किलोमीटर बना दे तो 1000 से डिवाइड कर दे, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बस अब हम इसको लिख देंगे। देखिए किलोमीटर में लिखने के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/1 2 3 4 5 और 6, चूंकि 1000 1000 का मतलब है 1 के बाद 6 0। अब देखिए इसमें 4 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 2 डिजिट यहाँ लिखे हैं तो 0 बढ़ाते जाइए, 3 4 5 6, इसका मतलब है ये नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे स्टूडेंट्स क्या डेसिमल, तो 0.00045। तो ये क्वेश्चन 8 का आंसर इस तरीके से हमें देना था स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन 9 है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि ये आपको पता है कि 1 रुपीज में स्टूडेंट्स कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, ठीक है, तो 1 पैसा जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपीज के, मतलब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज याद रखिए बस। अब देखिए एट पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 8/100 रुपीज। अब 8/100 को हम लिख सकते हैं, 8 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, कि 1 डिजिट ये है, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे डेसिमल, तो ये आ गया, ये रुपए में कन्वर्ट हो गए, इतने रुपीज आ गया, 0.08 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर जो बी है, अब इसमें 9 रुपीज दिए हैं, 9 रुपीज हैं और 75 पैसे हैं, ठीक है, तो पैसे के रुपए बनाने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है, 0.75। ध्यान से समझ लीजिए, देखिए दो इक्वल चीजें ऐड हो जाती है, ये भी रुपीज है, ये 9 रुपीज है, और ये 75/100 रुपीज है, तो 75/100 को अगर यहाँ नीचे से 100 को अगर हमें रिमूव करना है, तो 75 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लाना होगा, तो ये हो गया 9 + 0.75, ठीक है। अब स्टूडेंट होल नंबर में होल नंबर ऐड होता है, ये देखिए ये 0 होल नंबर है, ठीक है, और ये 9 भी होल नंबर है, तो ऐड करने के लिए सेम ऐड होते, तो ये होल नंबर ऐड होंगे, तो 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो बाकी डेसिमल ऐसे ही रहेगा आपका, तो 9.75, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, 9 के बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 0.75, बस अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 5, 7 और 9 में 0 ऐड करोगे तो ये आ गया 9.75, ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट बी हो गया। इसी तरीके से हम सी को कर देंगे, ठीक है, अब सी में देखिए क्या है, 8, अब डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लस लगा के भी आप लिख सकते हैं, पैसे है ना, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट होगा, 5/100, तो ये हो जाएगा 8+0.05, तो ये हो गया 8.05, तो इतने रुपए ये आ गए, ये रुपीज में कन्वर्ट आपका हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है, अब इनको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज करके, तो एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब स्टूडेंट 65 मीटर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए, अभी हमने लिखा था 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। अब 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.001, ठीक है। तो ये डेसिमल में, तो 1 मीटर में इतने किलोमीटर होंगे, कितने, 0.001 किलोमीटर होंगे, ठीक है। बस चूंकि यहाँ पर सब मीटर में दिए, ये भी मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर है ये, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब ए वाले को कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 65 मीटर है, अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो या तो हम 65/1000, ठीक है, ये किलोमीटर में हो गया, तो ये आ जाएगा 0.065, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से कर सकते, दूसरे आप इसको कैसे कर सकते हो, देखिए 1 मीटर में हमने यहाँ लिखा इतने किलोमीटर होते, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.001 किलोमीटर, ठीक है। अब चूंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उतना ही आएगा जितना, यानी 65 ही आएगा 1 में मल्टीप्लाई। अब इसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल, तो यहाँ भी 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है, 0.065 ही आ गया। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, लेकिन अभी आपने हो सकता है डेसिमल का मल्टीप्लाई ना सीखा हो तो आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसी वाले से करिए। फिर बी में क्या है, बी भी ये देखिए सेम है हमारा, ठीक है, इसमें है 284 मीटर में दिया है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जब मीटर में दिया हो किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये किलोमीटर आ गया, तो ये आ गया 0.284, ठीक है। डेसिमल के पहले जीरो लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, ठीक है, वो आपके ऊपर है। फिर सी है देखिए, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर दिया है और 5 मीटर है, तो 5/1000 कर देंगे, तो ये भी किलोमीटर में, अब ये दोनों सेम अमाउंट होगा, यानी ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो देखिए 5/1000 है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, अब डिजिट नहीं है तो उसके पहले जीरो लिख दीजिए, तो जी हो गया, इतने किलोमीटर आ गया। अब दोनों को कर दीजिए, तो ये आ गया 3.005 किलोमीटर, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।